कितनी प्यारी बेबी की देखो अदा। आप लोगों के लाने ये देख मजा दे दे ना भी जन के आप लोग कहो भाई यार रानीपुर में नहीं दाओ तो देख मऊ में आनंद दे दाओ। अरे मैडम चली जाए चाहे बनी रहे का करे, मैडम चली जाए चाहे बनी रहे, हम जो थोड़क सी जान रहे थे का कह रहे कि जिनके मन में जो चलत है। हमने तो इतना सम्मान दिया इनके लिए, इतना सम्मान दिया कि कोई दे नहीं सकता है। इन्होंने आके फिर वही बात कर दी। जितने भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के फनकार हैं, मेरी छोटे पूरे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी नहीं होती है ये सभी लोग जानते हैं। कितनी प्यारी देखो बेबी की अदा, मऊरानीपुर में ई पे चढ़वा दे गधा ने ना। बजाओ तारियां, जनसंख्या दो उठ के ठाड़े हो जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ बगल में कैसे गायक हो। आ जाओ राजू तुम आ जाओ और बेबी के लाने लगा ले आओ, आ जाओ बगल में आ जाओ। हम ज्यादा टाइम की कुश्ती नहीं रखा, हम तो 5 मिनट की राख दे कुश्ती, ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं रखता करे। आप जाने किसकी बात कर रहे थे, किसी ने कार्यक्रम के लिए बुलाया होगा। मैं सारे बुंदेलखंड का प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी से। आप लोगों के लिए आज बता देता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से पूरे बुंदेलखंड का प्रभारी हूँ। जितने भी कलाकार हैं सारे कलाकार मेरे नीचे हैं, और मैं छोटे पूरे कार्यक्रम में हाथ नहीं डालता हूँ, छोटे पूरे कार्यक्रम में छोटे पूरे कलाकारों से बात नहीं करता हूँ। ये पार्षद जी जानते हैं, प्रेम पाल जी ने जब मुझे फोन किया, इनका 19 तारीख को मेरे पास कार्यक्रम नोट हो गया था, और 19 तारीख में फिर लेखराज पापा ने फोन किया तो मैंने मना कर दिया कि पापा मेरा कार्यक्रम मऊ में है, 19 तारीख को कार्यक्रम में आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर पापा ने 18 तारीख में कार्यक्रम रखा और 17 तारीख में कार्यक्रम रखा, ये जानते हैं। और बोलो कि मऊ में बेबी की कुयासी खोते, मऊ में बेबी की कुयासी खोते, और राजू और बेबी की मताई चोते ने। हमसे कत बिरजनवर छोटे लला, हमसे कत बिरजनवर छोटे लला, इन जैसी बेबी हमने दई हला ने ना। बेबी क्या गाएगी, जहां से पूरे बुंदेलखंड के कलाकार खत्म होते हैं वहां से हम शुरू होते हैं। ये लोग तीसरे काले से गाते हैं, मैं पहले काले से गाता हूँ और पहले काले से लेके पहले काले की धुन फेंकता हूँ। ये लोग वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, ये तीसरे काले से गायन करते हैं, मैं पहले काले से गायन करता हूँ जिसे छठवां काला कहा जाता है। और रही बात जवाबी की, तो जवाबी ऐसे नहीं की जाती है, पहले उसकी धुन लौटाई जाती है। राजू ने गीत गाया था देखिए, कि खुशी का है मौका और मगर क्या करूं मैं, और नहीं कोई मेरी खुशी का ठिकाना, ओ मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। मुझे ऐसा
ऐसा महसूस होता है कि इसने ये समझ रखा था कि राजन सिंह गुर्जर चले गए। राजू ने ये समझ रखा था कि वो शायद चले गए। मैं इतनी गहराई में जाता हूँ, ये रानीपुर की पब्लिक सभी जानती है, मऊ रानीपुर की पब्लिक सभी जानती है, मैं इतनी गहराई में जाता हूँ कि अच्छे अच्छों की माँ चुकी आएगी। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, हाँ मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। ये भी नहीं बता पाएगा कि किस फिल्म का गाना है और किस कलाकार ने इस गाने के लिए गाया है। ये फिल्म घराना का गाना है, इसने गीत भी सही तरीके से नहीं गा पाया। किसी ने कहा था किसी से ना कहना, किसी ने कहा था किसी से ना कहना, लगी चोट दिल पर तो खामोश रहे, सुनेगा तो तुम पर हंसेगा जमाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। दुआएं ये थोड़ी सलामत रहे आप दोनों की जोड़ी, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप बेबी में घुस जाओ चाहे बेबी तुम में घुस जाए, अपन को कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन मेरे मामले में मत उलझना। पहले तो भैया हाँ लल्ला को चेला है तो का भाई, ये तो चेला है, हमने लल्ला को हला दे। अबे ज्यादा दूर की बात थोड़ा सी है, परसों ही की तो बात है, रानीपुर में लेखराज जी के यहाँ कार्यक्रम था, लल्ला और रश्मि हाथ आ रहे थे, कह रहे थे हमारे लाने वचन दो। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, नहीं गीत लब पर दुआएं ये थोड़ी सलामत रहे आप दोनों की जोड़ी। और इसी गीत पर खुश होकर के 100 मुद्राओं का पुरस्कार, ये पुरस्कार नहीं है हम कलाकारों के लिए आशीर्वाद है, 90 डीजे वालों की ओर से आता है, 90 साउंड सर्विस वालों की ओर से, मुस्तक भाई की ओर से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आता है हम कलाकारों के लिए। हमारा मंडल 90 साउंड वालों का हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता है। अरे बड़े बड़े सांप लातन से कुचरे किते दुखी बिच्छू, अरे बड़े बड़े सांप लातन से कुचरे किते दुखी बिच्छू, और बोल सुने ब्रजेंद्र के देखो टन हो गई टनी, कि राजू बाजू हार जाए, कि राजू बाजू हार जाए, अब इचारा मुर फार जाए, राजू बाजू हार जाए, अब इचारा मुर फार जाए।
अध्यक्ष गुर्जर, किसी भी कलाकार से कभी नहीं उलझता हूँ, मैंने इससे पहले इससे कुछ नहीं कहा था, यही आकर के कुछ कुछ बातें कहने लगा। वैसे तो दोस्तों मैं आप सभी का खिलौना हूँ, मैं एक कवि हूँ, मध्य प्रदेश का सिंगर हूँ। हम शोभा समाजन की, राजा महाराजन की, और तबीयत पहला बे प्रिय पावन खिलौना है। समर में लड़ा बैठो, पानी चढ़ा बैठो, सूरन के सहरे मुख चंद्र के ढिटौना है। हम बात को बना देंगे तो सरग नो चढ़ा देंगे, और बिगाड़ेंगे बात करें दूर में बिछोना है। हम भाड़ है ना भड़ुआ, कभी लाड़ के लड़का है, नामी नरेशन को अमृत के दोना है, नामी नरेशन को अमृत के दोना है। ये रही सी है खानदानी, ये रही सी है खानदानी, पीले पीले ओ मेरी दानी, पीले पीले कलाकारों से। जितने भी मंच पर कलाकार बैठे हैं, ये मऊ का सांस्कृतिक मंच है, मेरे लिए अब आगे विवस मत करना बोलने के लिए, यहीं पर रुक जाना। अगर जरा सा भी आगे बोला तो मैं भी अपनी मर्यादा तोड़ जाऊंगा, मुझे चाहे जेल जाना पड़े। ये रही सी है खानदानी, राजू क्या समझेंगे, मैं कोई भी गीत के लिए कहीं से भी ले लेता हूँ। देखिए आप, चले जाएंगे हम मुसाफिर हैं सारे, चले जाएंगे हम मुसाफिर हैं सारे, मगर एक सिकवा है लब पे हमारे, तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया, तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, नाम सरकार तुझसा तेरे बात आया, नफनकार तुझसा तेरे बात आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, नफनकार तुझसा तेरे बात आया, मोहम्मद रफी के प्रेमी विराजे हुए हैं। ये मैं ताल दादा सुना रहा हूँ आपके लिए, मैं राजू भाई से भी अनुरोध करूंगा, वो भी ताल दादरे के अंतर्गत सुनाए। चले जाएंगे हम मुसाफिर हैं सारे, मगर एक सिकवा है लब पे हमारे, तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया, तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया, मोहम्मद नबी को I got it.
वो नगरी गया डारी और डार डार के करी चीखनी और फिर कर लई कारी पे और रायन बजुर भाई नुगैया के कई हाथी कुआरी मऊरानीपुर को है बड़ो अखाड़ो मऊरानीपुर को है बड़ो अखाड़ो गाण भटत की अवे मैया खाड़ो ने अवे बजे चार रात लम्बी धरी भंसारे नो कर दे की राजू की धरी ने मन तरसत हरी तरसत हो आज मन तरसत हरी तरसत हो आज मन तुम बिन मोरे बिगड़े ताज मन तुम बिन मोरे बिगड़े ताज मन तरसत आज मन तरसत आज मन तरसत हरी तरसत हो आज मन तरसत हरी तरसत हो आज ये जितने भी यहाँ पर संगीत के प्रेमी विराजे हुए हैं ये आप राग मालकोश का आनंद ले रहे हैं। सौ मुद्राओं का पुरस्कार भाई बलवीर सिंह जी जो कि उन्नाव बालाजी से चलकर आए हैं। भाई साहब आपके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है, आपको कोई नहीं हरा सकता। शिक्षक महोदय श्री बलवीर सिंह जी सौ मुद्राओं का पुरस्कार देते हैं। 100 रुपया दीने हैं भाई क्या बलवीर, 100 रुपया दीने हैं भाई क्या बलवीर, और नगरिया बजा रहे जे जसमन अहीर ने ये बालाजी से इनाम आई है। बालाजी महाराज सूरदेव की शक्ति हैं। बालाजी महाराज के 12 नाम देखिए, मैं एक ही लाइन में सुनाता हूँ, कोई भी कलाकार हिंदुस्तान का नहीं सुना सकता बालाजी के। मैं हर एक चीज गाता हूँ, बोलिए बालाजी भगवान की। हे सूरदेव रबीन सापति जय भानु भास्कर भुवनेश्वर श्री अक्रनेव जय लोक चक्षु आदित्य दिवाकर पचास मुद्राओं का पुरस्कार भाई नेतपाल जी गौतम जो कि भंडरा से हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। 101 मुद्राओं का पुरस्कार भाई खिलान सिंह जी यादव देते हैं, लखेपुर के सरपंच महोदय। हमारा मंडल श्री सरपंच महोदय का हार्दिक हृदय से स्वागत करता है। 100 मुद्राओं का आशीर्वाद पुनः कमला मोबाइल वालों की ओर से फिर आता है। बुंदेलखंड की शान कमला मोबाइल जतारा, इसके प्रोपराइटिंग करता श्री प्रमोद झा। ब्रांच है आपकी छतरपुर जतारा दिगौड़ा सायगढ़ गंज और इन सभी जगहों पर आपकी ये कार्यक्रम भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं आप। बहुत ब्रांचें हैं भाई कमला मोबाइल वालों की। मैं इस मंच के माध्यम से अरे मऊ में राजन को गाओ प्रोग्राम छा,
मऊ में राजन को गा प्रोग्राम छा और रिकॉर्डिंग कर रहे भैया प्रमोद ध्यान ना द्वारका में हूँ योगी हमरी ओर में।